हेलो एवरीवन, आपका फाइव पैसा में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। इस कंपनी की क्या खासियत है और आपको इस आईपीओ में क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसके क्या फाइनेंशियल्स हैं, कैसा परफॉर्म करेगी ये कंपनी, ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के जरिए। तो आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं और शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में इंगेज्ड है। ये कंपनी इंडिया में एक लीडिंग इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो इंडियन डिफेंस सेक्टर के 4 मेजर सेगमेंट्स को कैटर करती है, दैट इज डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन और हैवी इंजीनियरिंग। ये कंपनी सोल इंडियन सप्लायर ऑफ क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट्स भी है, जैसे कि लार्ज साइज ऑप्टिक्स और डिफ्रैक्टिव ग्रेटिंग्स फॉर एप्लीकेशन इन इंडिया। आइए बात करते हैं इसके ऑफर डिटेल्स की। ऑफर कंप्राइज करता है फ्रेश इशू और एन ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू इज ऑफ 140 करोड़ रुपीज, जिसमें से 34.65 करोड़ यूज किया जाएगा मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए। उसी के साथ 60 करोड़ रुपए यूज किया जाएगा फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी। 12 करोड़ यूज किया जाएगा रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेल बाय द कंपनी, और बैलेंस ऑफ द फ्रेश इशू को यूज किया जाएगा फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ऑफर फॉर सेल है 17,24,490 शेयर्स अमाउंटिंग टू 30.18 करोड़ रुपीज, जिसकी प्रोसीडिंग सीधा सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएगी। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 2019 में 154.39 करोड़ था, वहीं 2020 में 147.04 करोड़ था और 2021 में 143.33 करोड़ है। एबिटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2029 में ये 42.83 करोड़ था, वहीं 2020 में 39.27 करोड़ था, वहीं 2021 में ये 43.39 करोड़ है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2019 में 27.74% था, वहीं 2020 में 26.71% था और 2021 में ये 30.28% है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2019 में 18.97 करोड़ था, 2020 में 19.65 करोड़ था और 2021 में 15.78 करोड़ है। बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। ये फाइनेंशियल ईयर 2019 में 15.93% था, 2020 में 14.17% था और 2021 में ये 9.12% है। अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफरिंग फॉर बोथ डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस। ये कंपनी इंडिया में IDDM कैटेगरी में लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो इंडियन डिफेंस सेक्टर में 4 सेगमेंट्स में डील करती है, दैट इज डिफेंस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, EMP प्रोटेक्शन सॉल्यूशन और हैवी इंजीनियरिंग, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इनफैक्ट ये कंपनी सोल इंडियन सप्लायर मानी जाती है। इसके बाद आता है वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन हाई प्रिसिशन ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ये इंडिया में से कुछ मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जिसके पास कॉम्प्रिहेंसिव इन हाउस कैपेबिलिटी है ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिक्स फॉर स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन इन इंडिया। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नेरुल नवी मुंबई हाउसेस इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी इंटर एलिया फॉर नैनो टेक्नोलॉजी मशीन ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड टर्निंग कपल विद अ रोबस्ट टेस्टिंग सेटअप जो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कंपनी का गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रह चुका है और इसके सोल इंडियन सप्लायर होने की वजह से कंपनी ने इंडियन स्पेस मार्केट में अपना काफी अच्छा नाम कमाया है। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद अ डाइवर्स कस्टमर बेस। इस कंपनी में डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है जो गवर्नमेंट आर्म से लेकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक डील करता है, जो इन्वॉल्व्ड है डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च टू वेरियस डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सच एज भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू वेरियस प्राइवेट एंटिटीज सच एज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एस्ट्रा रेफेल, कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। कंपनी इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ भी डील करती है। इसी के साथ चलिए बात कर लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की भी। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो बिजनेस ये ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएटेड
एंटिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट बजट में डिक्लाइन देखने को मिला फॉर डिफेंस एंड स्पेस, रिडक्शन इन ऑर्डर्स और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पर भी हो सकता है। पास्ट में ऑलरेडी कंपनी नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सस्टेन कर रही है और फ्यूचर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शायद अर्निंग्स में गिरावट या ऑपरेटिंग लॉसेस या नेगेटिव कैश फ्लोज एक्सपीरियंस कर सकती है। आइए देख लेते हैं आईपीओ सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सो आपको बता दें कि इशू ओपन हो रहा है आज से, यानी कि 21 सितंबर से, और बंद होगा 23 सितंबर को। फेस वैल्यू ऑफ ₹10 की होगी। प्राइस बैंड ₹165 to ₹175 के रेंज में है। इश्यू साइज ₹170 करोड़ का है। बिड लॉट 85 का है और इश्यू टाइप 100% बुक बिल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्री आईपीओ में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का शेयर होल्डिंग पैटर्न 79.4% होगा और पब्लिक के लिए 20.6%, जबकि पोस्ट आईपीओ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के शेयर होल्डिंग पैटर्न 59.71% और पब्लिक के लिए 40.29% होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर इस महीने आप किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 5 फ्री ट्रेड ऑन एवरी सक्सेसफुल एप्लीकेशन। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट भी मिलता है तो आपको आगे के 10 ट्रेड्स फ्री मिलेंगे। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी मुलाकात फिर से होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।